हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। जैसा कि अभी हम सभी माँ दुर्गा की पूजा का महोत्सव मना रहे हैं, तो आज मैं इस अवसर पर आपको माँ दुर्गा की पेंटिंग बनाना बताने वाली हूँ। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं निब का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने होल्डर में लगा रखा है। कलर मैं पिडलिट का फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें सफिशियंट पानी मिलाकर इसे इंक तैयार कर रखी है, जिससे कि ये कलर नीब पर आसानी से चल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दुर्गा माँ के चेहरे की हल्की सी स्केचिंग मैंने पेंसिल से ऑलरेडी बना रखी है, जिस पर मैं आपके सामने कलर से काम करते हुए इस तस्वीर को पूरा करने वाली हूँ। हैं कि हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और अब हम माँ दुर्गा के चेहरे पे काम कर रहे हैं। ये शुरुआत में मैं उनके मुकुट का डिज़ाइन बना रही हूँ और उसके बाद धीरे धीरे हम चेहरे को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि मैं जो भी कुछ बना रही हूँ आप उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं और साथ में बनाने की कोशिश भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप साथ में बनाएंगे तो आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और इजीली आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ ही आपका भी पोस्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, पोस्टर बनाते वक्त कई बार हमें पोस्टर को रोटेट करना होता है, क्योंकि इसका रीज़न है कि अगर हम सेंटर में हाथ रख के काम कर रहे हैं तो कई बार अगर कलर सूखा ना हो तो पोस्टर के ख़राब होने का डर होता है। इसीलिए हम पोस्टर को रोटेट करते रहते हैं और कोशिश रखते हैं कि हाथ कभी भी बाहर की साइड रहे, इससे कलर के फैलने का या इस प्रकार का कोई डर नहीं रहता। हो सकता है कि इससे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता हो, लेकिन मैं इसीलिए आपको इसका रीज़न बताने की कोशिश कर रही थी कि जब आप भी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कलरिंग कर रहे हों तो हमारा हाथ पोस्टर के बीच में ना लगे, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ पोर्शन जल्दी ड्राई हो जाता है और कलर का कुछ पोर्शन कभी कभी टाइम लेता है ड्राई होने में। अगर उस पर हमारा हाथ पड़ गया तो हमारी पूरी मेहनत ख़राब होने का डर रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैं फिलिंग का वर्क कंप्लीट कर रही हूं। इसमें मैंने 2 नंबर के ब्रश यूज़ किए हैं। ये जो ब्लू कलर का ब्रश है ये 2 नंबर का है, और एक और ब्रश है जो बहुत ज़्यादा बारीक काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो 000 का ब्रश होता है। तो इन 2 ब्रशेज़ का यूज़ मैंने किया है फिलिंग में, और कलर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं इंक तैयार करती हूँ वाटर मिक्स करके। लेकिन जहाँ फिलिंग का वर्क हो वहाँ वाटर मिक्स करना कंपलसरी नहीं होता। अगर कलर न्यू है और जम नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, और इन केस अगर कलर जमने जैसा है तो हम उसमें बहुत लाइटली वाटर मिक्स करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वाटर मिक्स करेंगे तो उसके ब्लॉट होने का डर रहता है। फ्रेंड्स, साइड में जो हमने बॉर्डर बनाया था उसमें आपने देखा था हाफ में तो हमने कचनी का वर्क कंप्लीट कर लिया था और हाफ पोर्शन हमने वाइट रखा था। इस वाइट पोर्शन में मैं एक में ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ और दूसरे में इंक ब्लू कलर को यूज़ कर रही हूँ। ये फिल करके हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद पोस्टर में थोड़ा सा वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारा ये पोस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं बॉर्डर की फिलिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारे ये पोस्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपको कुछ भी जानकारी मुझसे प्राप्त करनी हो मधुबनी पेंटिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स का जवाब देने में। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।